ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 विंड साइक्लोन एंड स्टॉर्म्स को। ओके, हम लोगों ने इससे पहले ये इस चैप्टर के लिए फोर्थ वीडियो है, आप लोग पहले भी इतने बहुत तीन वीडियो आप लोगों ने देखा, जो भी होमवर्क करके अच्छे से आप लोगों ने भेजा काफी अच्छा लगता है कि बहुत सारे टॉपिक आपने समझा भी, बहुत स्टूडेंट्स ने होमवर्क भी भेजा, डाउट भी पूछा। ओके, जो नहीं कर रहे हैं वो उस काम को करें, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं जो देख तो रहे हैं बट होमवर्क नहीं पूछ रहे हैं, कुछ पूछ ही नहीं रहे, हमें पता नहीं चल रहा है कि आप कितना पढ़ रहे हो। अब कुछ लिखा हुआ है, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। आप अचानक कभी देखते हुएगा कि आंधी तूफान वर्षा बिजली गर्जन लाइटनिंग एकदम तड़का वड़का जो भी आप देख रहे हैं एकदम देखने को मिलता है, बिजली भी कड़क रही है, बारिश भी हो रही है, काफी आंधी भी चल रही है और बारिश भी इतना तेज हो रही है कि उसको समझ पाना मुश्किल है। ऐसे स्थिति में बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो जाता है कि अगर किसी भी तरह की अगर आप पकड़ा गए बीच में, है ना, और लाइटनिंग वगैरह के इफेक्ट में खास करके आ जाते हैं तो इतनी परेशानी होती है, इतनी परेशानी कि आदमी मर सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमको कुछ ना कुछ प्रिकॉशन अपनाना पड़ता है। आपको पहले भी पता है कि आप किसी भी नेचुरल फेनोमेनन को बदल नहीं सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ना उसको होने का प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते हैं। आंधी वगैरह आता है तो थोड़ा वेदर फॉरकास्टिंग से आपको पता चलता है कि इस तरीके की आने वाली है बारिश वगैरह को, लेकिन उसको आप रोकने की क्षमता किसी भी ह्यूमन बींग्स में नहीं है, है ना। तो उसके जो खतरनाक पहलू है, किस कारण से जो खतरा है, उस खतरा से सिर्फ बचा जा सकता है और उसको कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ जो एक टर्म है थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स, तो पहले हम लोग को देखना है आज थंडर स्टॉर्म के बारे में। थंडर स्टॉर्म को हम लोग समझेंगे, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि स्विफ्ट मूवमेंट, काफी तेज में मूवमेंट होगी, बारिश भी बहुत होगी, लाइटनिंग भी बहुत होगी, आवाज भी बहुत होगा, आंधी तूफान बहुत चलेंगे, ये हमारा थंडर स्टॉर्म कहलाता है। तो आप इसको लिखोगे क्या, ठीक है, हम पहले से यहाँ पे लिख दिए क्योंकि ज्यादा से समय नहीं लगेगा। आप देखिए, द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर अलोंग विथ राइजिंग एयर, आंधी तूफान भी होगा, प्रोड्यूस साउंड एंड लाइटनिंग, साउंड भी प्रोड्यूस बहुत होंगे, एकॉम्पनीड बाय हेवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड, साथ में हेवी रेनफॉल होंगे और स्ट्रॉन्ग हवा भी चलेगा। इस तरह के फिनोमेनॉन को हम क्या कहते हैं, थंडर स्टॉर्म कहते हैं, है ना, थंडर स्टॉर्म कहते हैं। अब जो है थंडर स्टॉर्म अगर कभी आ रही है और आप अपने घर से बाहर हैं, है ना, घर से बाहर है, ऐसे स्थिति में आपको क्या करना होगा। थंडर स्टॉर्म में एक्चुअली क्या होता है कि बादल, ये भी तीन कैटेगरी, जैसे ये क्लाउड है, क्लाउड तो ये क्लाउड से क्लाउड की टक्कर होती है, ठीक है, स्मार्ट क्लास वगैरह में ये काफी देखने में अच्छा लगता है, क्लाउड से क्लाउड ऊपर ही आपको लगेगा कि कुछ टकरा रहा है। उसके बाद कुछ ऐसे सीन देखिएगा कि इंट्रा क्लाउड होता है, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड की ओर टकराता है, और फिर एक होता है क्लाउड टू लैंड, ये जमीन की तरफ आती है, ये 10 लाख वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी ये नीचे की ओर सप्लाई करती है और एक सेकंड के 100वें पार्ट तक, मतलब सेकंड के 100 पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं उतना ही समय तक के लिए नीचे आता है और आकर के चला जाता है। और इतने वोल्ट की शॉक अगर इतने सेकंड के लिए लगे तो आदमी झुलस जाएगा, मर जाता है। ऐसे स्थिति में क्या करना है कि हमको इसका प्रिकॉशन लेना है, प्रिकॉशन उसमें बचना है, क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं ये बातें हम लोग को देखना है, है ना। तो इसको हम लोग मिटा रहे हैं, थंडर स्टॉर्म के बारे में डिस्कस किए, थंडर स्टॉर्म का डेफिनेशन आपका ये रहा सामने, जिसको मैं मिटा रहा हूं, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। और अब हम लोग समझते हैं प्रिकॉशन फ्रॉम थंडर स्टॉर्म, ठीक है, प्रिकॉशन फ्रॉम थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, ठीक है, क्या प्रिकॉशन होना चाहिए, ठीक है, नेवर स्टैंड, सबसे पहला है ना, पहले आप सुन लीजिए फिर मैं लिख दूंगा एक एक। आपको कभी भी किसी पेड़ के नीचे या उससे सटके चिपक के आप उसपे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी मूवमेंट जो होती है लाइटनिंग का, आप डिटेल्स 8 में भी पढ़ोगे कि क्यों जमीन की तरफ कैसे जाते हैं, इसके पॉजिटिव और निगेटिव जो दोनों टर्म है, आपको पता है कि अर्थ भी तो निगेटिव है, अर्थिंग में भी इलेक्ट्रिसिटी में निगेटिव तो जमीन से ही लिए जाते हैं,
तो जब ऊपर पॉजिटिव टर्म है तो डायरेक्ट निगेटिव की तरफ भागने की कोशिश करता है और हमको इलेक्ट्रिसिटी उसके तरफ मूवमेंट हो जाती है। अब इसमें क्या है कि अगर कहीं पे प्लांट है तो प्लांट क्या है, वो गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर की तरफ वो मूवमेंट करता है और वहां पे जाके उस पे वो अटैक करता है। और अगर आप उसमें चिपके हुए हैं तो क्या होगा, उसमें उसमें झटका लगने की संभावना रहती है। तो नेवर स्टैंड, ठीक है, अंडर आइसोलेटेड ट्रीज, आप ट्रीज के नीचे खड़े नहीं होंगे। अगर बरसात की बरसात का समय है तो ऐसा नहीं आप खड़े होंगे। दूसरा है कि अगर कोई मेटालिक मेटालिक स्टैंड है, मेटालिक स्टैंड, नेवर नेवर टेक शेल्टर शेल्टर अंडर, या अंडर मत लिखिए, बिसाइड बिसाइड मेटालिक मेटालिक टावर टावर वगैरह के पास, हालांकि वहां पे एक अर्थिंग वगैरह लगा होता है जिसके कारण से उसको एब्जॉर्ब करता है, उसके सामने आप नहीं खड़े रहना है। अगर आप स्विमिंग पूल में है, ठीक है, क्विक रिसेप्ट क्विक रिमूव क्विक रिमूव फ्रॉम फ्रॉम स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में अगर आप हैं तो वहां से, या कोई भी वाटर बॉडीज में आप हैं तो वहां मत रुकिए, वहां से तुरंत निकल के भागिए, ठीक है। डोंट टेक शेल्टर शेल्टर अंडर मेटालिक मेटालिक रॉड ऑफ अम्ब्रेला, ओके। आजकल जो मेटालिक रॉड आते हैं अम्ब्रेला में, वो आपको इस झटके से नहीं बचा सकता, ठीक है। आपको क्या करना है, ऑलवेज ऑलवेज टेक प्लेस ऑलवेज टेक प्लेस एक क्लोज बॉडी एक क्लोज बॉडी लाइक लाइक कार बस इटीसी, ये बंद बॉडी है, उसमें आप जहां पे हैं वहां अगर आप रहेंगे तो इन झटके से बच सकते हैं, इन झटका से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये चार पांच पॉइंट आप याद रखेंगे कि इन, ठीक है, मेटालिक शेड के पास आप नहीं जाएंगे, किसी पेड़ के नीचे आप खड़े नहीं रहेंगे। आप देखते होइएगा बड़ा बड़ा तार का पेड़ जो होता है वो मुरझा जाता है, मुरझाया हुआ है, ऊपर से उसका पत्ता जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके पीछे क्या कारण होता है, उस पर लाइटनिंग हुई है और वो थंडर स्टॉर्म के कारण वो जल चुके हैं, है ना। तो ये सब कॉज है, वहां अगर आदमी पकड़े जाएंगे तो वो भी बुरी तरह से झुलस जाएंगे। तो ये दो पॉइंट आप लोगों ने देखा, थंडर स्टॉर्म क्या होता है और थंडर स्टॉर्म से हम कैसे बच सकते हैं, इस पॉइंट को हम लोगों ने देखा। थंडर स्टॉर्म समझने के बाद हम लोग देखेंगे फटाफट साइक्लोन्स के बारे में, ठीक है। साइक्लोन्स एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी आप देखते हुएगा कि हवा चल रहा है और कुछ डस्ट वगैरह एक गोल गोल सर्कुलर पथ में उड़ते हुए ऊपर की ओर भी जा रहा है, तो ऐसे समुद्र में भी देखने को मिलता है कि ऐसे सर्कुलर मूवमेंट एयर की होती है, है ना। अब इसमें जब सर्कुलर पथ में मूव करेगा और सेंटर की तरफ जाएगा, अब सेंटर की तरफ जाएगा तो जमीन के नीचे तो जा नहीं सकता, ये जाएगा कहां, तो ये ऊपर की ओर जाएगा, तो बहुत सारे वहां डस्ट वगैरह हो, कभी कभी तो आप ऐसे अमेरिकन कंटिनेंटल में ऐसे कुछ सिचुएशन आए कि बहुत सारे ट्रक व्हीकल्स कार वगैरह भी लेकर के वो मूव कर गया ऊपर की ओर, है ना। तो ये चीज क्या कहलाता है, ये साइक्लोन कहलाता है, ठीक है। तो इसका डिफाइन कैसे करोगे, द विंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ जो सराउंडिंग्स से मूव इन सर्कुलर एरिया में जो एयर की विंड की जो मूवमेंट होगी और टुवार्ड द सेंटर सेंटर की तरफ मूवमेंट होगी, ये सेंटर की तरफ जाना ही साइक्लोन्स कहलाता है, ओके। ये साइक्लोन्स कहलाएंगे। अब साइक्लोन जैसे देखिए, ये सर्कुलर पथ में अगर आता है तो ये ऐसे ऐसे सर्कुलर पथ में आते हुए आपको दिखता है, ऐसे सर्कुलर पथ में आते हुए आपको दिखता है, तो ये जो एरिया होता है इसको हम लोग कहते हैं आई, ठीक है। तो क्या कहेंगे, द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ
साइक्लोन इज कॉल्ड आइस. ओके, आइस कहलाएगा. और आइस जो है, आइस कहने का मतलब ये नहीं है कि जो छोटा वाला आइस है इसके तरह छोटा सा होगा. आइस का जो डायमीटर होता है ना, आइस का जो साइज देखा जाए, साइज ऑफ आइस है ना, तो ये लगभग 10 से लेकर के 20 किलोमीटर तक होता है, किलोमीटर तक होता है. आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब किसी बाल्टी में आप कुछ डस्ट वगैरह रख के ऊपर से कुछ पानी रख के उसको काफी हाथ से आप मूवमेंट सर्कुलर मूवमेंट कराते हैं, अब क्या होता है कि वो वाटर क्या होगा, सर्कुलर पथ में मूव करेगा और बीच में कुछ ये डीप पीट बन जाता है, गड्ढा बन जाता है. और वो गड्ढा जो है वो छोटा सा होता है. अब छोटा सा, इतना छोटा गड्ढा आपको देखने को लगेगा कि इतना छोटा गड्ढा है, लेकिन ये जो गड्ढा टाइप का जो होता है ये करीब 10 से 20 किलोमीटर तक का हो सकता है. और जो पूरे साइक्लोन का सर्कुलर पथ है वो 200 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक हो सकता है, 1000 किलोमीटर तक हो सकता है. अगर इसकी मूवमेंट में अगर कोई इंसान पड़ते हैं तो वो भी इसमें फंस सकते हैं, मारे जा सकते हैं. और खास करके ये खतरनाक तो और होता है जब ये समुद्री इलाके में आते हैं. समुद्री इलाके में जब आएंगे तो ये सर्कुलर मूवमेंट करने के कारण बहुत सारे जो समुद्री ऑर्गेनिज्म है, सी ऑर्गेनिज्म है, वो डीप लेवल में चले जाते हैं अंडरग्राउंड. और ये अंडरग्राउंड जो है बहुत दिनों तक अगर ऑर्गेनिज्म जमीन के अंदर चला गया, इट विल डिस्कनेक्ट फ्रॉम द आवर एनवायरमेंट एंड अनेबल टू डिकम्पोज. अगर वो डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है, जब वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे और वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, ऐसे स्थिति में वो वहीं का वहीं पड़ा रह जाए. और हजारों लाखों वर्षों के बाद आप नेक्स्ट क्लासेज में इसको पढ़ोगे कि यही बनता है फॉसिल, है ना, यही फॉसिल्स बनते हैं हजारों साल तक जमीन के अंदर में दबे रहने के कारण. ठीक है, द ऑर्गेनिज्म बरीड अंडर द ग्राउंड एंड डिस्कनेक्ट फ्रॉम देयर एनवायरमेंट एंड अनेबल टू डिकम्पोज देयर बॉडी, इट फॉर्म ए फॉसिल. और यही फॉसिल बन जाते हैं. तो यही साइक्लोन का भी बहुत सारे कॉज, आप ये साइक्लोन का ही कॉज है कि बॉम्बे हाईवे समुद्री इलाके में बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलते हैं. और अरेबियन कंट्री में तो खैर बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट अवेलेबल है, बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि साइक्लोन की जो हार्मफुल इंपैक्ट है, क्या हार्मफुल इंपैक्ट हो सकता है. अगर विंड के साइड हार्मफुल इंपैक्ट है, उससे हम लोग लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म पर बचने का भी जो भी प्लान बनाया उसको हम लोगों ने देखा. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में साइक्लोन के जो हार्मफुल इंपैक्ट हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स पे और उससे बचा कैसे जा सकता है, इस टॉपिक के ऊपर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. तो आज की वीडियो में प्रॉपर इतना ही. ओके, गुड बाय, टेक केयर.